तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों, कि कृषि कानून को लेकर केरल से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। केरल विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव हुआ पारित, मोदी सरकार से तीनों कानून को रद्द करने की है मांग। दोस्तों भाजपा को तगड़ा झटका केरल से। तो वहीं आपको बताएंगे कि चीन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज फिर से बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा मोदी अमित शाह बताएं कैसे चीन ने हमारी जमीन पर किया कब्जा। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार में कभी भी हो सकते हैं चुनाव, राजद विधायक बोले नए साल में तेजस्वी यादव बन सकते हैं बिहार के सीएम, नीतीश कुमार से चल रही है बात। जी दोस्तों, भाजपा को बिहार से भी लग सकता है तगड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा मोदी अमित शाह ने कभी नौजवान तो कभी किसानों को ठगा है। तो वहीं आपको बताएंगे कि लव जिहाद कानून को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने की बीजेपी से मांग, लव जिहाद कानून को लेकर हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पर की जाए कार्रवाई, इन्होंने भी धर्मांतरण कर की है शादी, भाजपा अपनी सांसद को डाले जेल में। जय दोस्तों, बड़ी मांग बघेल ने कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे कि आरटीआई ने खोली मोदी सरकार की पोल, किसानों की सलाह के बगैर मोदी सरकार ने लागू किए कृषि कानून। तो वहीं आपको बताएंगे कि कर्नाटक में गौहत्या कानून को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने बोला भाजपा पर बड़ा हमला, कहा मुझे गौ मास पसंद, आप कौन होते हो पूछने वाले। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों, कि कृषि कानून को लेकर केरल से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। केरल विधानसभा में आज पारित हुआ कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को केरल से आज तगड़ा झटका लगा है। केरल विधानसभा ने कृषि कानून के खिलाफ आज प्रस्ताव पारित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मोदी सरकार से मांग की है। वहीं आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयनन ने केंद्र के तीन नए कृषि कानून के खिलाफ गुरुवार को विधानसभा में कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और केंद्र की बीजेपी सरकार से तीनों कृषि कानूनों को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की। वहीं आगे उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र के कृषि कानून किसान विरोधी हैं और कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने वाले हैं, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। वहीं आपको बता दें कि केरल विधानसभा ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है और अब केरल में मोदी सरकार के नए तीनों कृषि कानून लागू नहीं होंगे और इन्हें रद्द करने की केरल के मुख्यमंत्री ने मांग की है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका केरल से भाजपा को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज फिर से मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा भाजपा बताए कैसे चीन ने हमारी जमीन पर किया कब्जा। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के मसले को लेकर आज फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सरकार को बताना चाहिए कि आखिर कैसे चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मीडिया के लोगों को ले जाकर वहां की हकीकत देश की जनता को बतानी चाहिए, लेकिन देश का मीडिया भी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। इससे पहले इसी साल सितंबर में असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था कि चीन के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा था कि चीन ने 1000 वर्ग किलोमीटर पर भारत के कब्जा किया है, जिसमें से 900 वर्ग किलोमीटर देवसांग में ये जमीन स्थित है। वहीं आगे असदुद्दीन ओवैसी ने लव जिहाद कानून पर भी भाजपा पर बड़ा हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लोग की निजी जिंदगी में लव जिहाद कानून लाकर भाजपा दखल दे रही है और ये सरकार कौन होती है जो आम लोगों की जिंदगी में दखल देती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि कोर्ट ने कई बार फैसला सुनाया है कि आम लोगों की जिंदगी में कोई भी सरकार दखल नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी ये विवादित कानून बनाकर देश में नफरत फैला रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़े हमले आज मोदी सरकार पर बोले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में राजद ने किया दावा नए साल में तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार से चल रही है बात। जय दोस्तों आपको बता दें,
ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की घटना के बाद बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच तनाव बना हुआ है और दोनों ही पार्टियों में फूट है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि आज राजद विधायक ने बड़ा दावा किया है। राजद विधायक ने दावा किया है कि नए साल में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री पद को लेकर बातचीत भी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के प्रमुख प्रवक्ता और राजद के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के साथ राजद की सरकार बनाने की संभावनाओं पर जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। उसी दौरान तय होगा कि भाजपा और जेडीयू के बिगड़ते संबंधों के बीच राजद की क्या रणनीति रहेगी। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के करीबी राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि जेडीयू से हमारी बातें हो रही हैं और नतीजा बहुत जल्द आएगा। राजद की कोशिश है कि नए साल यानी 2021 में ही तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बनाए जाएं। नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने और चलाने में राजद को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि राजद के विधायक ने ये बड़ा दावा बिहार में किया है कि नए साल में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र पर कार्रवाई की बीजेपी से मांग। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी शासित राज्यों में बनाए जा रहे कथित लव जिहाद के खिलाफ धर्मांतरण कानून को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज भाजपा पर हमला बोला है। भाजपा पर हमला बोलते हुए सांसद हेमा मालिनी और उनके पति धर्मेंद्र पर कार्रवाई करने की बीजेपी से मांग की है। वहीं आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि ऐसे कितने भाजपा के नेता हैं जिनके बेटे बेटियों ने दूसरे धर्म के लड़के और लड़कियों से शादी की है, उसको भाजपाई लव जिहाद नहीं मानते। वहीं आगे उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्मेंद्र और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने भी शादी की है तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि वह हिंदू है या फिर मुसलमान, क्योंकि धर्मांतरण करने के बाद ही इन दोनों ने शादी की है। अब भाजपा पहले इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करे और इन पर लव जिहाद कानून लगाकर इन्हें जेल में डाले, क्योंकि इन्होंने भी धर्मांतरण करके ही शादी की है। तो ये बड़ी मांग अब भाजपा से सीएम बघेल ने कर दी है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा मोदी ने हमेशा नौजवान और किसानों को ठगा। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरे भाजपा का विरोध कर रहे हैं। अब इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि आज राहुल गांधी ने कृषि कानून और नौजवानों की नौकरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से नौजवान और किसानों को ठगा है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश के जवान और किसानों को कहा था कि 15 लाख रुपए उनके खाते में दिए जाएंगे, उसके बाद 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल देने का वादा किया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ वादे किए और नौजवान किसानों को ठगा। लेकिन किसी के खाते में ना तो 15 लाख रुपए आए और ना ही एक साल में 2 करोड़ नौकरियां प्रधानमंत्री मोदी ने दी। इसी को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि अब देश का जवान और किसान प्रधानमंत्री मोदी पर यकीन नहीं करता है। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरटीआई ने खोली मोदी सरकार की पोल, किसानों की सलाह के बगैर सरकार ने लागू किए कृषि कानून। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून को लागू करने को लेकर मोदी सरकार लगातार कह रही थी कि इसे विशेषज्ञों की सलाह और किसानों से बातचीत के बाद ही देश में लाया गया, लेकिन आरटीआई ने आज मोदी सरकार की इसी बात की पोल खोल दी है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा किया गया ये दावा गलत पा गया है। पता चला है कि सरकार ने नए कृषि कानूनों को लागू करने से पहले किसानों की सलाह नहीं ली थी। इस बात का खुलासा एनडीटीवी द्वारा दायर की गई एक आरटीआई से हुआ है। इससे पहले सरकार दावा करती आई कि उसने कृषि कानून लाने से पहले किसानों के साथ बातचीत की थी। दरअसल आपको बता दें कि एनडीटीवी द्वारा दायर की गई आरटीआई में कृषि मंत्रालय से पूछा गया था क्या कानून लागू करने से पहले किसानों से सलाह ली गई थी। आरटीआई में पूछा गया था कि सरकार ने कितनी बार किसानों से सुझाव लिए, आरटीआई में किसानों से ली गई सलाह और मीटिंग को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी गई थी, जिसके जवाब में मोदी सरकार ने कहा कि उसके पास किसानों से ली गई सलाह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जबकि विपक्ष पहले से ही आरोप लगाता रहा कि किसानों से बिना विचार विमर्श किए मोदी सरकार ने अपनी मनमर्जी से ये कानूनों को लागू किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झूठ मोदी सरकार का कृषि कानून को लेकर पकड़ा गया। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में मुस्लिम
युवक से शादी करने पहुंची हिंदू युवती को धर्म सेना ने रोका, बताया लव जिहाद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में शादी का रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को हिंदू संगठनों ने मध्य प्रदेश में रोक दिया है। जोड़े के साथ हिंदू धर्म सेना के लोगों ने बदतमीजी करते हुए इसे लव जिहाद बताया है और उनको शादी का रजिस्ट्रेशन कराने दफ्तर नहीं जाने दिया। इसको लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में देर तक हंगामा हुआ। इस पर पुलिस पहुंची और लड़के लड़की के परिजनों को बुलाकर उन्हें घर भेज दिया। मामला सोमवार का है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि किस तरह से ये लोग अब भी लव जिहाद का आरोप लोगों पर लगा रहे हैं, जबकि अपनी मर्जी से उस लड़की ने शादी की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है जबलपुर से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में गौहत्या कानून पर बवाल। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बोले, मुझे पसंद है गौमा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि इन दोनों कर्नाटक की भाजपा सरकार गौहत्या कानून लेकर आई है और गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध कर्नाटक की भाजपा सरकार ने लगा दिया है। अब इसी कानून को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बड़ा बयान दिया है। सिद्धरमैया ने कहा है कि मुझे गौमांस पसंद है और आप कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले कि मैं क्या पसंद करता हूं और क्या नहीं। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बोलने का साहस नहीं दिखाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी निशाना साधते हुए सोमवार को अपने पूर्व बयान की याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे गौमांस पसंद है। सिद्धरमैया ने कहा कि मैं बार बार विधानसभा में कह चुका हूं कि मुझे गौमांस पसंद है और भाजपा सहित प्रदेश का कोई भी नागरिक मुझसे कौन होता है पूछने वाला कि मैं क्या खाता हूं क्या नहीं। उन्होंने कहा कि खाने पीने का मेरा अधिकार है और मैं कुछ भी खाऊं, इसके लिए मुझ पर किसी का दबाव नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद मनोज तिवारी बने पिता। लॉकडाउन में की थी दूसरी शादी, लोग बोले तलाक देने पर इन्हें क्यों नहीं डाला जाता जेल में। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आज पिता बन गए हैं। उनके घर एक नन्नी परी आई है। मनोज तिवारी ने लॉकडाउन में ही दूसरी शादी सिंगर सुरभि तिवारी के साथ की थी। मनोज तिवारी भले ही बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले हैं, फिलहाल वह उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद है। अब इसी को लेकर दिल्ली में बीजेपी सांसद का जबरदस्त विरोध हुआ है और लोगों ने इन पर तरह तरह के कमेंट किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने ये दूसरी शादी लॉकडाउन में की थी। अब लोग बोल रहे हैं कि जब इन्होंने पहली शादी की थी और उसका तलाक दिया था तो इन्हें आखिरकार जेल में क्यों नहीं डाला गया, और अब इन्होंने दूसरी शादी की है तो इनके पूरे देश में मीडिया चर्चे कर रही है। लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति या कोई मुसलमान तलाक देता है तो उसे 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है, जबकि भाजपा सांसद या भाजपा के नेता ऐसा करें तो उन पर यह कानून क्यों लागू नहीं होता है। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है। लोगों ने तरह तरह के हमले भाजपा सांसद मनोज तिवारी पर आर्ज किए हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र किया घोषित, 6 महीने और बढ़ाई समय सीमा। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को समूचे नागालैंड को और 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इससे विवादित AFSPA कानून वहां पर बना रहेगा। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने तथा किसी को भी पूर्व वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार है। नागालैंड में विशेष अधिकार कानून कई दशकों से लागू है। गृह मंत्रालय ने एक सूचना में कहा है कि केंद्र सरकार का मानना है कि पूरा नागालैंड ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि वहां नागरिक प्रशासन की मदद के लिए सुरक्षा बलों का उपयोग आवश्यक है। अधिसूचना के अनुसार नया आदेश 3 दिसंबर 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा। यानी अब ये मोदी सरकार ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है और 6 महीने के लिए इसकी समय सीमा और बढ़ा दी है।